नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी, आपको पता है इसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो भारत में 104 बिलियन रुपीज का, मतलब की 10,400 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाले है। ये आप देख पाओगे, मारुति टेक्स फर्स्ट स्टेप्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल ए सुजुकी मोटर टू इन्वेस्ट 10,440 करोड़ इन गुजरात। ये डिटेल से समझेंगे। और यहाँ पर एक और जो ACC बैटरीज होते हैं उसको लेकर भी PLI स्कीम अप्रूव कर दिया है। 4 कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो मैं आपको बताऊंगी। काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुजुकी मोटर्स जो कि पेरेंट है भारत की लार्जेस्ट ऑटोमेकर मारुति सुजुकी की। अब ध्यान रखिएगा, देश के अंदर हर 2 गाड़ी में से एक गाड़ी आपको मारुति सुजुकी की देखने को मिलेगी। तो ये जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर्स, उनके द्वारा, मतलब जापान की जो कंपनी है उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि 10,440 करोड़ का वो इन्वेस्ट करेंगे। किस चीज में? न्यू इलेक्ट्रिक कार और बैटरी फैक्ट्री बनाने में। इसका जो पूरा प्लांट है वो भारत के अंदर सेटअप किया जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक आप अगर देखोगे तो ये जो कंपनी है उनके द्वारा बार बार बयान दिया जा रहा था कि अभी भारत का मार्केट रेडी नहीं है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स। तो काफी लोग आश्चर्य हो रहे हैं कि बाकी जो कंपटीशन है, कंपनीज है, वो EV की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक मारुति सुजुकी की तरफ से कोई भी इस तरह का कदम नहीं लिया जा रहा था। तो ये पहला कमिटमेंट है कंपनी की तरफ से, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि काफी बड़ा फायदा हो सकता है देश के अंदर। और जापान की जो ये ऑटोमेकर है सुजुकी, उनके द्वारा बोला गया है करीब 3,000 करोड़ जो है वो हम नए प्लांट बनाने में खर्च करेंगे, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बैटरीज है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और इस तरह से पूरा मिलाकर आप कह सकते हो 10,440 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये जो प्लांट है अगेन गुजरात के अंदर आने वाला है। गुजरात के अंदर बताया जा रहा है कि EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और व्हीकल रिसाइकलिंग यूनिट ये गुजरात में सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी जो भारत और जापान का इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था, आपको याद होगा, फुमियो किशिदा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में यहाँ पर साइन हुआ था, और इसको लेकर भी कमिटमेंट किया गया है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक नया प्लांट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट के पास ही सेटअप किया जाएगा। गुजरात में अगर आप देखोगे तो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन एंड सप्लाईज टू मारुति, यहाँ पर क्या है ना कि ऑलरेडी सुजुकी मोटर गुजरात के नाम से एक कंपनी है, प्लांट है, वहीं पर उसी के पास ही ये जो नया प्लांट है उसको सेटअप किया जाएगा। ऑलरेडी रिसेंटली बताया जा रहा है कि जो नया प्लांट सेटअप किया गया है पिछले कुछ समय पहले, तो उसकी वजह से देश के अंदर मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन है वो 7,50,000 यूनिट चला गया एनुअल प्रोडक्शन। साल में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में गाड़ी ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, क्योंकि सभी चीजों के बीच में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है लिथियम आयन बैटरी पैक, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला करती है। और आप कह सकते हो कि अभी देश के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब की जो सेल्स आते हैं, ये जो बैटरीज वगैरह परचेज किया जाता है वो चाइना से किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम आयन सेल्स का, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत पीछे रह जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुजुकी ऑलरेडी डेवलप कर रहा है लिथियम आयन बैटरी पैक प्रोडक्शन एक जॉइंट वेंचर के साथ, मतलब कि जापान का सुजुकी हो गया और वहीं पर एक कंपनी है डेंसो कॉर्प एंड तोशिबा, वहां पर गुजरात के अंदर इन्होंने प्लांट वगैरह सेटअप किया है, ताकि इसको लेकर भी चीजें मूव फॉरवर्ड की जा सके। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि एक लार्ज पार्ट जो है प्रोडक्शन का वो लोकलाइज होने वाला है। अब लोकलाइज से क्या होगा कि भारत के अंदर जो इसका कॉस्ट है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो काफी कम हो सकता है इन कंपैरिजन टू बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स है इस समय। अब ये कॉम्पिटिटर आपको पता है जो हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है देश के अंदर वो है टाटा नेक्सॉन, और इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है करीब 14 लाख के आसपास। तो 14 लाख के आसपास, अल्दो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन स्टिल ये महंगा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर करंट में कंपटीशन देखें उसके कंपैरिजन में लोकलाइज लेवल पर इस तरह की चीजें अगर की जाएगी तो यहाँ पर दाम काफी सस्ता हो सकता है, ऐसा सुजुकी का कहना है। और 2021 से 25 के बीच में इसलिए लोग कह रहे हैं कि 2.2 ट्रिलियन येन का जो एक्सपेंडिचर है वो ये करने वाले हैं, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। इनफैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फोकस होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन है उसको लेकर। 1 ट्रिलियन येन ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं।
जहाँ तक बाकी के प्लेयर्स की बात है तो देखिए, ह्युंडई हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उन्होंने तो ऑलरेडी अपना जो प्लान है वो काफी एलोबरेट तरीके से कर रखा है कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ कैसे जाएंगे। देश के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल है वो काफी जंप हुआ था। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करिए उसके पिछले साल से तो 3400 यूनिट ही सेल हुए थे, फिर यहाँ पर 60-75% का जंप आया था और 6000 के आसपास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ है देश में वो बिक रही थी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सुजुकी का ग्लोबल लेवल पर टोयोटा के साथ टाई अप चल रहा है ताकि यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन अभी उसको और ज्यादा काम करना बाकी है। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर सुजुकी का, ये काफी बड़ा बूस्ट देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, तो ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अभी जस्ट 2 दिन पहले खबर आई थी यहाँ पर कि भारत सरकार का ये जो PLI स्कीम है, और PLI स्कीम किसके लिए, स्पेसिफिकली फॉर ACC बैटरी, दैट इज एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, मतलब कि जो गाड़ियाँ वगैरह में बैटरीज लगती है उसके लिए स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो PLI स्कीम लाया गया था। और PLI स्कीम क्या है, जितना ज्यादा आप क्वांटिटी के बेसिस पर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो सरकार यहाँ पर आपको कुछ सब्सिडी दे देगी, कुछ ऑफर दे देगी, तो वही PLI स्कीम है। अगर मान लो कॉस्ट आपका 1 लाख आ रहा है और सरकार ने यहाँ पर आपको 10,000 बेनिफिट दे दिया तो कॉस्ट सिर्फ 90,000 रहेगा। तो इस तरह से PLI स्कीम चला करता है। तो 4 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है। 4 कंपनीज कौन सी है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ह्युंडई ग्लोबल मोटर्स एंड राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये 4 कंपनीज को दिया गया है कि इनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर सरकार ने ये जो पूरा PLI स्कीम निकाला था ACC बैटरीज प्रोग्राम के तहत, ये 22 अक्टूबर 2021 को निकाला था। 10 कंपनीज ने सबमिट किया था कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फाइनली जो बिडिंग वगैरह है वो ओपन किया गया है इसी साल जनवरी के महीने में, और 9 कंपनीज पाया गया कि रिस्पॉन्सिव थी और वो एलिजिबल थी, लेकिन सभी को ये नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए 4 कंपनीज को यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे जैसे ये कंपनीज, इनके ऊपर कंडीशन है कि अगले 2 साल के अंदर इसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनानी होगी, मतलब कि जो बैटरीज वगैरह का प्रोडक्शन है इनको 2 साल के अंदर स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद अगले 5 साल तक उनको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। और सरकार कितना बेनिफिट दे रही है, 18,000 करोड़ का। तो आप कह सकते हो अगेन बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इस PLI स्कीम से, और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से 2,50,000 करोड़ का भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि हम जो ऑयल इंपोर्ट कराते हैं हमें डॉलर्स पे करना होता है, उसमें हमें काफी फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है भारत के अंदर नेशनल ग्रिड लेवल पर, वो भी इंक्रीज होगा। तो काफी कुछ हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, और सुजुकी का ये जो कदम है ये काफी बूस्ट का काम कर सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।